तो नमस्कार दोस्तों, टेक गाइड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुपर प्रोफाइल अकाउंट क्या है और सुपर प्रोफाइल का एक न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको अगर मैं बता दूं तो सुपर प्रोफाइल एक तरीके का ऐसा वेबसाइट है जिस पर आप अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहां से जो लिंक आपको प्रोवाइड होगी उस लिंक को अगर अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाते हैं तो वहां पर अगर कोई पर्सन आपके उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा जो भी आपने यहां पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट मर्ज किए होंगे। वहां पर उसको सभी सोशल मीडिया अकाउंट एक साथ में दिख जाएंगे, उस पर वहां पर क्लिक करके वो किसी भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर रिडायरेक्ट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे मर्ज कर सकते हैं सुपर प्रोफाइल के अकाउंट में और सुपर प्रोफाइल का आप एक ऐसा अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सुपर प्रोफाइल का एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। ये सुपर प्रोफाइल का ऑफिशियल पेज है। इस पेज का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपके सामने यहां पर वेलकम बैक का एक मैसेज दिखाई दे रहा है जिससे आप यहां पर साइन इन कर पाएंगे। यहां पर आप एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला, आप अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आप यहां पर अपने जीमेल आईडी से कोई एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप अकाउंट यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहां पर मोबाइल नंबर के थ्रू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसको आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद में कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा स्टेप खुलकर आ जाएगा जो कि आपका ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप यहां पर अपना नाम डालेंगे, उसके बाद में आप यहां पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद में आपको यहां पर सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके का आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आप यहां पर सोशल मीडिया क्रिएटर हैं या स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बेस्ट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहां पर अपनी जो है कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम यहां पर एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने थर्ड स्टेप ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर यूजर नेम अपना क्रिएट करना होगा। यही यूजर नेम आपने किसी भी सोशल मीडिया लिंक पर लगा सकते हैं, यही पर आप अपना यूजर नेम डालेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं superprofile.bio/, उसके बाद में आप यहां पर यूजर नेम अपना, जो भी आपको एक यूनिक यूजर नेम लेना हो आप यहां पर यूनिक यूजर नेम लेकर उसके बाद में आप यहां पर फिनिश सेटअप पर क्लिक करेंगे। फिनिश सेटअप पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जिसमें आपसे यहां पर बोला जा रहा है कनेक्ट योर सोशल्स, मतलब आप यहां पर अपने सोशल्स अकाउंट कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए आप यहां पर अपने सभी सोशल्स अकाउंट के यूजर नेम या फिर आप यहां पर लिंक ला करके पेस्ट करेंगे। उसके बाद में आप कनेक्ट सोशल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने सुपर प्रोफाइल का पूरा अकाउंट क्रिएट होकर के आ चुका है जिसमें आप थोड़ा बहुत और चेंजिंग करेंगे, उसमें आप सेटिंग करेंगे, उसके बाद में आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। जिसमें आप यहां पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप यहां पर अपना डीपी चेंज कर सकते हैं, यहां से आप अपना कोई डीपी और लगा सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आप यहां पर अपना बायो ऐड कर सकते हैं। जो भी आप अपना बायो यहां पर ऐड करेंगे वो आपके लिंक के साथ में जब भी कोई क्लिक करेगा तो वहां पर उसको दिखाई देगा, जैसा कि आप यहां पर अपना अपने बारे में बायो भी डाल सकते हैं। बायो अपना ऐड करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका लिंक किस तरीके से दिखाई देगा। अगर कोई पर्सन आपके लिंक पर क्लिक करता है तो कुछ इस तरीके से उसके सामने आपका सभी सोशल मीडिया अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा जिसपे वो क्लिक करके आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर रिडायरेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपका सुपर प्रोफाइल का अकाउंट फाइनली रेडी हो चुका है। अब आप यहां पर जो आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है,
इस लिंक को आप यहां से कॉपी करके अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर आप लगाते हैं तो अगर कोई पर्सन वहां पर क्लिक करता है तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें उसको कुछ इस तरीके से उसको डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसपे आप वो किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पर यहीं से क्लिक करके रिडायरेक्ट हो पाएगा। तो जैसा कि हम इस सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक को कॉपी करते हैं सुपर प्रोफाइल के, उसके बाद में हम एक न्यू टैब में इसको ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके का वहां पर इंटरफेस आता है। तो जैसा कि हम यहां पर लिंक को पेस्ट कर दिए हैं उसके बाद में इंटर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों सुपर प्रोफाइल का लिंक कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जिसमें आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट यहां पर ऐड होंगे। जो भी पर्सन आपके इस अकाउंट पर आएगा उसके बाद में आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के आइकन पर क्लिक करेगा तो उस सोशल मीडिया अकाउंट पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट को यहीं पर मर्ज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सुपर प्रोफाइल का एक न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और सुपर प्रोफाइल का एक न्यू अकाउंट क्या होता है उसके बारे में पूरा जानकारी मैंने दे दिया है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।